24 तारीख को जम्मू कश्मीर की 14 लीडर्स की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने दिल्ली में बुलाई थी और इतनी हाईएस्ट लेवल पर मीटिंग बुलाने के बावजूद एजेंडा कुछ भी नहीं था। शायद हमारी अपनी सियासी जानकारी में ये पहला मौका हमने शायद देखा कि देश के सबसे ऊंची लेवल पर एक पॉलिटिकल मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, मगर एजेंडा सर्व उसमें कुछ भी नहीं किया गया था एडवांस, ना ही वहां मीटिंग में ये किया गया। और कुल मिलाकर जब मीटिंग शुरू हुई तो उसमें इत्तेफाक से मौका सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मिला कि अपना मौकफ, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया है कि जो भी इस मीटिंग में आप लोग बोलोगे वही एजेंडा बनेगा इसका, एडवांस हमने कोई भी एजेंडा नहीं रखा आपके सामने। तो लकीली कांग्रेस पार्टी ने इनविटेशन मिलने के बाद लोकल अपने इकाइयों से बात की थी, जो हमारे सीनियर लीडरान है यहाँ पर, तजुर्बेकार लीडरान है पूरे जम्मू कश्मीर में, उनसे हमने राय मशवरा लिया था और अल्टीमेटली ये मामला हमारी नेशनल लेवल पर हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है पिछले कई साल से, जिसकी क्यादत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी करते आए हैं, और आज के इस चर्चे को लेकर खुद कांग्रेस प्रेसिडेंट ने उस मीटिंग को सदारत की और जिसमें ये चर्चा हुआ कि ये इनविटेशन आई है, एजेंडा नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी को उसमें क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उसमें तमाम सीनियर लीडरान ने, पी चिदम्बरम साहब ने, डॉक्टर करण सिंह जी ने, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, तारिक हमीद करा साहब थे, और सारे लोगों ने अपने एक्सपर्ट राय वहां पर दी और एक मसौदा तैयार करके कांग्रेस पार्टी 24 तारीख की मीटिंग में शमूलियत की। फुल स्टेटहुड विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज टू जॉब एंड लैंड राइट्स, ये दो चीज मुख्य तौर पर वहां पर डिफाइन की गई, उसके सारे मतलब पैरामीटर्स वहां उनको बता दिए गए। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा आप ये रेस्टोर कीजिए, और चूंकि आपने प्रेजेंटेशन दे दी कि जम्मू कश्मीर इस वक्त नॉर्मल सी की ओर है, बल्कि कंप्लीट नॉर्मल है, इस वक्त इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं, इस वक्त अफरा तफरी नहीं है, इस वक्त एहतजाज नहीं है, इस वक्त बॉर्डर कूल है, तो ये अगर सारा चीज आपके किताब के हिसाब से ठीक है तो आपने कहा था अनुकूल वक्त पर हम स्टेट रेस्टोर करेंगे, तो हमारे हिसाब से आपके रिकॉर्ड के मुताबिक अनुकूल वक्त है, प्रॉपर टाइम है, यू रेस्टोर द स्टेट फर्स्ट और देन स्टेप टू कि यू प्रोसीड इमीडिएटली फॉर इलेक्शंस और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक पॉपुलर सरकार, अपनी सरकार बनाने का हक दीजिए, क्योंकि आपने 3 साल से हमें ब्यूरोक्रेसी के हवाले किया कर रखा है, तो ब्यूरोक्रेसी कभी भी अल्टरनेट पॉलिटिकल सिस्टम का नहीं हो सकता है और पॉलिटिकल सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का नहीं हो सकता है। आज ब्यूरोक्रेसी के होते हुए हमारे आम लोगों की सुनवाई नहीं है, हमारे आम लोगों के काम नहीं निकल रहे हैं, उनका दरवाजा नहीं खुलता है, उसको जितना जल्द अज जल्द आप इख्तिताम करेंगे, एक पॉपुलर सरकार की ओर आप प्रोसीड कीजिए, उसको कांग्रेस पार्टी वेलकम करेगी। बात करने में किसी को रोकथाम नहीं है, ये अलग बात है कि वहां पर एक फरीक ने कहा कि अगर कोई इसके हक में बोलेगा तो इसके फेवर अपोजिशन में बोलेगा तो इट विल बी लायबल टू दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मगर वो तो चलो एक वकीलों वाली थ्योरी है, मगर यहाँ देश में बहुत सारे मामलों को लेकर बहुत सारे सालों तक कोर्टों में मामले पड़े रहे, उसका मतलब क्या फिर वो फ्रीकिन फिर आवाम में उसको नहीं लेके गए, तो देयरफॉर लोग चर्चा करेंगे उसमें। जब हमने कहा कि जिस तरह से आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे सारे राइट्स लिए, कशिर पश्चित अपन मुगल दीशित गुन फारसी बोल नेवरिकन पर टारवान आग सवाल, कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत रखती है कि हमने वहां पर कहा जहां कहना चाहिए था, और हमने वहां पर कहा कि जिस गैर जमहूरी तरीके से आपने लिया ये हिस्ट्री में हिस्ट्री भूल नहीं सकती है, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं भूल सकते हैं, चूंकि हम 370 देने वाले थे तो हम कभी इस 370 को तोड़ने वाले तो बन नहीं सकते थे, ये तो सारे जम्मू कश्मीर को पता है, सारे हिंदुस्तान को पता है, सारे दुनिया को, आलम को पता है।
थैंक यू।